गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी टूडे वी विल डिस्कस अगेन चैप्टर सेकेंड क्लास एट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज टू पॉइंट वन स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज भी हम इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन में पॉइंट होता है और जहां पर पॉइंट है स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि सर इसको हम कैसे करें यहां पर तो देखिए वन पॉइंट सिक्स इक्वल टू वाई अपॉन वन पॉइंट फाइव सबसे पहले स्टूडेंट इसको अगर आप अपॉन में ही लाना चाहते हैं तो किसी भी नंबर को होल नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए आप अपॉन वन यूज कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट बहुत ईजी है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y को डिनोमिनेटर से वन से मल्टीप्लाई करिए 1.6 को 1.5 से करिए y मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वाई वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट सिक्स एंड वन पॉइंट फाइव देन फाइंड द प्रोडक्ट इज सिक्सटीन फाइव 16 एट्टी सिक्सटीन वन जाट ट्वेंटी फोर स्टूडेंट जब प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लाई में आपको पता है हम यहाँ पर ऐड करते हैं कि पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस के बाद है तो देखिए वन आफ्टर वन डेसिमल प्लेस और यहाँ भी देखिए डेसिमल जो है एक ही प्लेस के बाद है यहाँ पर पीछे से आप देखें तो वन प्लस वन टू आंसर में आप लास्ट से आप टू प्लेसेस के बाद डेसिमल यूज कर सकते हैं वन टू यहां पर आ गया सो आंसर इज वाई इक्वल टू टू पॉइंट फोर क्लियर स्टूडेंट नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने देखिए एक इक्वेशन है यहां पर लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक ही यूज़ हुआ है एक्स यहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि हम लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द वेरिएबल इज़ वन तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वन है इक्वल का साइन है यहाँ पर और इक्वल के साइन के बाद देखिए दो साइड हो गई यहां पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्लियर सो स्टूडेंट फर्स्ट जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको आप यही रहने दें कांस्टेंट टर्म को आप दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू सेवन अपॉन फिफ्टीन माइनस वन एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू स्टूडेंट वन अपॉन वन लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम यहाँ पर कैसे एल्शियम फाइंड करें तो फिफ्टीन एंड वन एल्शियम फिफ्टीन ही होगा एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू स्टूडेंट सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन में सेवन सब्ट्रैक्ट कीजिए आप तो माइनस एट अपॉन फिफ्टीन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एक्स को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन एक्स इक्वल टू माइनस एट थ्री जार ट्वेंटी फोर देन एक्स इक्वल टू फिफ्टीन एक्स मीन्स फिफ्टीन मल्टीप्लाई एक्स सो स्टूडेंट जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है वहाँ पर यह डिवाइड में जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फिफ्टीन रिड्यूस कर सकते हैं इसको आप थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री फाइव जा फिफ्टीन देन एक्स इक्वल टू माइनस एट अपॉन फाइव दिस इज आंसर ऑफ द इक्वेशन क्लियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है स्टूडेंट इसके बाद मैं एक और मेन चीज़ बहुत ही इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो बात है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहें कि हम इसको कैसे चेक करें कि हमारा जो आंसर आया है वेरिएबल की जो वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है तो उसके लिए आपको चेक करना होगा कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होगी तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू को पुट कर दें और पुट करने से जो आंसर मिले वो राइट हैंड साइड के अगर इक्वल ही आ जाता है देन वेरीफाई दैट द आंसर इज करेक्ट सो ट्राई दिस सो स्टूडेंट चेक योर आंसर लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू माइनस एट अपॉन फाइव एक्स की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी आई थी स्टूडेंट अभी जब हमने सॉल्व किया था माइनस एट अपॉन फाइव तो हम x की वैल्यू को यहां पर देखिए रखते हैं माइनस एट अपॉन फाइव अपॉन थ्री प्लस वन स्टूडेंट तो माइनस एट अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री प्लस वन माइनस एट वन जा जाट अपॉन फिफ्टीन प्लस वन एल्शियम फिफ्टीन फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन माइनस एट प्लस आप अपॉन वन यूज करें यहाँ पर वन से फिफ्टीन को डिवाइड किया फिफ्टीन फिफ्टीन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए तो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन ही होगा यहां पर आप देखिए स्टूडेंट प्लस फिफ्टीन माइनस एट सब्ट करने पर फिफ्टीन माइनस एट इक्वल टू सेवन अपॉन फिफ्टीन और सेवन अपॉन फिफ्टीन देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है आंसर आपका सो वेरीफाई दैट योर आंसर एक्स इक्वल टू माइनस एट अपॉन फाइव इज करेक्ट बिकॉज पुट दिस वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड देन वी फाइंड द आंसर इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस सो स्टूडेंट इस तरीके से आप अगर चाहें तो अपने आंसर को चेक करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू फर्स्ट स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल वाला टर्म्स है उसको आपको यहीं रखना है कांस्टेंट टर्म को आपको हटाना है और नेक्स्ट साइड पर लेकर जाना है नेक्स्ट साइड में जब हम लेकर जाते हैं ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट तब साइन चेंज हो जाता है एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन थ्री फाइव अपॉन थ्री को हमने ट्रांसफर किया देखिए साइन चेंज हो गया माइनस फाइव अपॉन थ्री एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू एल्सियम टू एंड थ्री इज सिक्स एल्सियम को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट टू थ्री जा सिक्स जो आंसर हमें मिला उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री टू जा सिक्स टू फाइव जा टेन एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू देखिए माइनस नाइन माइनस टेन यहाँ पर दोनों ही जो हमारे नंबर्स हैं इनकी सेम यहाँ पर वे देखिए माइनस है, हैं निगेटिव हैं दोनों माइनस नाइनटीन अपॉन सिक्स अब क्या करें आफ्टर दिस स्टूडेंट इस स्टेप के बाद यस क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करें सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस नाइनटीन इंटू थ्री एक्स इक्वल टू माइनस नाइनटीन इंटू थ्री अपॉन सिक्स थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस नाइनटीन अपॉन टू आंसर मिल चुका है स्टूडेंट यहां पर देखिए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है x इक्वल टू माइनस नाइनटीन अपॉन टू क्लियर सो स्टूडेंट आई होप दैट हमने इन दोनों वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो थी और जो आज की वीडियो है एट प्रेजेंट इस टाइम की दोनों ही वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आंसर को हम कैसे चेक करें डिस्कस किया आपको जरूर क्लियर हो चुका होगा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक में कंप्लीट कर लें और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी आपके पास हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच